वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 21 नवंबर। 20 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये देख लेते हैं कि 21 नवंबर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे पहले देख लेते हैं, जैसे कि ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी कॉन्टेंट है, वो यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि डेली वहां पर एक फोटो भी अपलोड की जाती है जिसमें इम्पोर्टेंट डे के करंट अफेयर्स है, तो आपके रिविजन पर्पस के लिए वो काफी बेनिफिशियल हो जाएंगे, जिसमें जितना भी रिविजन काम है वो आप कर सकते हो कि भाई ये दिन की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज रही है। उसी के साथ साथ ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन करना जरूरी है। और ये है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, 5 ही है। AGMM प्लस वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिलिम्स फर्स्ट, क्योंकि इसमें से 1 डे का जो एग्जाम होते हैं MCQ बेस्ड एग्जाम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दिल्ली का एयर पॉल्यूशन, यू ऑल नो क्या हाल चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स, इसके ऊपर UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स किस टाइप के होते हैं और इनके रिसर्च वर्क के लिए आगे क्या प्रोग्रेस हुआ है इंडिया में। फिर इलेक्ट्रिक बैटरीज एंड लाइफ ओवर डेथ, फर्स्ट आर्टिकल ADMM प्लस। ADMM प्लस बेसिकली है क्या? ADMM इज बेसिकली जो अभी मीटिंग कंडक्ट हुई है उससे रिलेटेड है। अब इसमें प्लस है तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस जरूर होगा, तो जरा इस आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं ADMM है क्या। देखो भाई, आसियान जो है, आसियान सबको पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। तो साउथ ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ मैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब कंट्रीज है। तो इन सब कंट्रीज ने मिल करके इन सब का एक डिफेंस का प्लेटफॉर्म है, मतलब कि इन सब कंट्रीज का जो हाईएस्ट डिफेंस होता है ना, एक प्रॉपर मीटिंग, उसे कहते हैं AGMM। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है आसियान की, और बेशक इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ आसियान, बट स्टिल इंडिया वहां पे अटेंड करने गए थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जकार्ता पहुंचे थे, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, वहां पर पूरा इसको ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है, तो उसी के लिए है असल में जो ये पूरा एक ADMM करके है, इसकी मैं फुल फॉर्म भी बता देती हूँ आपको। ADMM की फुल फॉर्म है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इस मीटिंग में सब गए, और ये प्लेटफॉर्म में इंडिया इंक्लूडेड है, तो प्लेटफॉर्म में आसियान में नहीं है, कंफ्यूज मत होना। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि आसियान में इंडिया इंक्लूडेड है, नो इंडिया नहीं है उसमें, लेकिन हम लोग इस ADMM के पार्ट में है। तो इस ADMM में ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, चाइना तो आएगा ही आएगा आपको पता है, इंडिया, जापान और न्यूजीलैंड, ये सब पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, तो इनका आपस में मीटिंग हुई है, जिसमें इंडोनेशिया ने हेड करा है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, वहां पे इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। ये रहा आपका आसियान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें कंट्रीज कौन सी आती है जरूरी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आसियान वॉज फॉर्मड ऑन 8 अगस्त। मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी, क्योंकि इन सबका मेन ही ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को काउंटर करना है, जो चाइना का कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए ऑलरेडी इसको बना दिया गया है। तो आसियान इंडिया से काफी क्लोजली रिलेशंस अपने इंप्रूव कर रहे हैं। तो ADMM याद रखिएगा, ADMM सारे कंट्रीज का हो गया, और प्लस का मतलब हो गया जो 8 डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, जो मैंने आपको बताया अभी, वो सब इसमें आते हैं। डायलॉग कंट्रीज कौन सी है, नाम नोट कर सकते हो, इंडिया, US, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वही कंट्रीज हैं जो इन आसियान कंट्रीज के क्लोज पड़ती हैं, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, ये क्लोज क्लोज में आता है, इंडिया तो है ही क्लोज में, इंडिया के साथ में म्यांमार है, बाउंड्री शेयर करते हैं हम लोग म्यांमार से।
म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, इंडिया से सेपरेशन 1937 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू सेपरेशन जो है वो कंप्लीट हुई थी। अब इंडिया जो है वो एडीएमएम में हमेशा से पार्टिसिपेंट रहा है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके वहां पे पहुंचते हैं और पूरी इंटेग्रिटी के साथ पूरे नेशंस के मसलों को सुनते हुए, पूरा ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को करते हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया, मैरिटाइम जितने भी इश्यूज हैं उनके, उनको सॉल्व किया जाता है। बेसिकली आसियान को अभी तो सबसे बड़ा इशू जो है ना वो है साउथ चाइना सी, जो चाइना का वहां पे कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है चाइना वाले रीजन में, मतलब साउथ चाइना सी के रीजन में, पारासेल्स कैरलबर्ग आइलैंड्स के ऊपर, वो बहुत बड़ा इशू है इसमें। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेबर के तहत पूरी चीजों को यहाँ पर जो है वो देखता है। तो इस तरीके से एक पूरा आर्टिकल एडीएमएम के ऊपर, याद रखिएगा ये एडीएमएम, मैं यही बोलूंगी एडीएमएम और एडीएमएम प्लस, ये पूरा आर्टिकल प्रीलिम्स में ज्यादा पूछा जाएगा। बाकी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में इसका आईआर में कॉन्टेक्स्ट आएगा। हाँ, इस पे कोई बहुत बड़ा प्रिपेयर नहीं हो सकता, बस ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई एक तरीके से इंडिया अपना आसियान के साथ कैसे रिलेशन ग्रो कर रहा है, क्या पर्सपेक्टिव है, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है। बाकी डिटेल में कुछ ऐसा नहीं पूछा जा सकता इसमें, क्योंकि इसमें लिखने लायक वैसा नहीं है हमारे पास। बट हाँ, आसियान के साथ कैसे रिलेशन है उसमें ये टॉपिक जरूर आ सकता है। जब आप आसियान को कंप्लीट कर रहे होंगे उसमें एडीएमएम का आप रेफरेंस जरूर दे सकते हो, उससे आंसर और प्रेजेंटेबल लगने लग सकता है, ठीक है, बेटर हो जाएगा उससे आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पे। सेकेंड आर्टिकल, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन, यू ऑल नो अबाउट दैट। 14 बिग प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, जो है इस पूरे के पूरे एंटी स्मॉग गन्स को यहाँ पे स्थापित किया गया है, जा रहा है, की जानी चाहिए, अभी हुआ नहीं है। असल में एंटी स्मॉग गन्स होती क्या है, ये एक ऐसी गन होती है जो कि नेबुलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स को एटमॉस्फेयर में एकदम से स्प्रे करती है, जब भी जब एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो उस रिस्पेक्ट में वो उस एरिया में एक तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करती है, ताकि वाटर एयर पोल्यूशन रिड्यूस किया जा सके। वाटर टैंक के ऊपर कनेक्ट करके 50 मीटर की हाइट के ऊपर एक तरीके से आर्टिफिशियल रेन वाला काम कर देती है, जैसे आर्टिफिशियल एक रेन होती है उस तरीके का काम ये पूरी तरीके से कर देती है कि आर्टिफिशियल रेन देखने को मिल जाए इसके अंदर। तो एंटी स्मॉग गन उसी जगह यूज की जाती है जहां पे सीमेंट का वर्क ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क ज्यादा है, पॉल्यूशन जहां पे सबसे ज्यादा हाई रहता है। दिल्ली पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, दिल्ली के आसपास के रीजन में स्टबल बर्निंग होती है, जैसे कि पंजाब में होती है, हरियाणा राजस्थान, तो उस रीजन में जो स्टबल बर्निंग होती है, पराली का जो धुआं होता है, उसकी वजह से पूरे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन होने को मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, मीथेन गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से, और सबसे बड़ा कारण तो व्हीकल एमिशन है ही, व्हीकल से जो CO2 एमिशन होता है, तभी दिल्ली के अंदर जो है वो काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं कार्स को लेके, बिकॉज नंबर ऑफ कार्स जो रजिस्टर्ड है और जितना भी काम वहाँ चल रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो विच इज टेकिंग मच टाइम, विच इज टेकिंग मेनी ऑफ द पॉल्यूशन इन दिल्ली ऑल्सो। तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे तो यही पता चलता है। और कुछ लैंडफिल की फायर्स भी हैं वहां पर, जैसे कि भलसवा एरिया में, वहां पर इससे भी काफी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन रीजन में भी इसके पॉल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एंटी स्मॉग गन्स इसका सॉल्यूशन हो सकता है, टेम्पररी है लेकिन सॉल्यूशन है, नहीं नहीं होंगी, काफी रिलीफ मिला था इससे, बट दिस इज टेम्पररी इन नेचर, दिस इज नॉट प्रॉपर एक परमानेंट सॉल्यूशन। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए दी और डिफरेंट चीजें की जानी चाहिए, टेम्पररी सॉल्यूशन यही है, अभी इसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैरी आउट कर लो, और जो है स्कूल्स हॉस्पिटल्स के आसपास, क्योंकि बच्चों की छुट्टी करनी पड़ जाए तो क्या ही फायदा है ऐसे रीजन का ना, फिर तो एक गुड वे तो नहीं है सॉल्यूशन का ये वाला, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और चीजें इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल, इसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। तीसरा आर्टिकल हमारा आता है क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम और ग्रेफाइट इसके ऊपर करने जा रही है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं। 1012 ऐसे जाइंट्स हैं इंडिया में ऑलरेडी,
तो सेंटर ने जितने भी हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं इनके लिए अलग से ब्लॉक बनाने की मंजूरी भी दे दी है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर दिस क्रिटिकल मिनरल्स एलिमेंट, इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी नाम से जानते हैं, जैसे हम कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। अभी होते क्या है पहले तो ये समझ रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो कि आज के टाइम पे जिनकी जरूरत बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि वो क्लीन इन नेचर है। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कॉपर, स्टील, फ्लोरीन, गैलियम, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी की लिस्ट में आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की लिस्ट को हम कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया में ये कई कई रीजन्स में पाए जाते हैं, लेकिन अभी भी इनकी जो अवेलेबिलिटी है काफी कम है, इसलिए हमें बाहर के देशों पर ही इस पूरे के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये एक तरीके से जो हम हमेशा कहते हैं ना कि क्लीन होना चाहिए, तो अभी हमारे यहाँ पर केवल 22 ही ऐसे मिनरल्स हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल्स के उसमें लाया गया, जैसे कि एंटीमनी, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, नायोबियम, स्ट्रॉन्शियम, ये मिनरल्स कुछ आए हैं जो कि इंडिया के पास अवेलेबल भी हैं कुछ अमाउंट में, बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ये सारे मिनरल्स को, लेकिन वही है कि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो काफी कम है। और इसमें जो है जितने भी आप देख रहे हो मिनरल्स, इसमें से 16 मिनरल्स का जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है, तो चाइना का डोमिनेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम हो गया है। तो एक ये आर्टिकल आपको पढ़ना है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, क्योंकि इसकी लिस्ट जो है वो आ चुकी है क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के कौन कौन से हैं, तो नाम आपको पता होने चाहिए। और ये रिलीज कौन करता है ये भी अपने नोट्स में लिख लो, इट इज बीइंग रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस प्रॉपर जो है एजेंसीज के थ्रू इसको रिलीज कर चुकी है, और हर कंट्री के साथ मिलके, जिनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ मिलकर के हमने इन सबको बेटर बनाने की कोशिश की है, कॉपर और ये सब जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इंडिया की तरफ से एक कंपनी है जिसका नाम है काबिल, वो जॉइंट वेंचर्स चलाती है इसके ऊपर। काबिल का मतलब है खनिज, के ए से खनिज, फिर बी से विदेश, इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। उन्होंने यहाँ पर जो है पूरी एक कोलैबोरेशन करी है विद दी अदर कंट्रीज, ताकि ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई इंडिया तक भी तसल्ली से पहुंच सके। तो उसी के लिए है ये पूरा आर्टिकल, याद रखिएगा इसको, क्रिटिकल मिनरल्स का। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ, इलेक्ट्रिक बैटरीज के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता है जो हम यहाँ पर 2030 तक बात करते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे, 2070 तक हम नेट जीरो ले आएंगे, 2047 तक, क्योंकि हमारी आजादी को 100 साल हो चुके होंगे, तो 2047 तक हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन लेके आएंगे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने करीब 19,744 करोड़, 19,744 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए हुए हैं जनवरी 2023 में। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक बैटरीज का इस्तेमाल करके, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में लिथियम की भी डिस्कवरी हुई, मैंने बताया था आपको पहले के लेक्चर्स में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल हाइनामा एरिया में इसकी डिस्कवरी हुई, लिथियम रिजर्व मिला, कर्नाटक में कुछ टाइम पहले मिला था। तो लिथियम का रिजर्व काफी सारा है, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रिक बैटरीज का अब नया स्टार्ट हुआ है और इंक्रीज भी हो गया है इंडिया में, काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक बैटरीज जो है उसका जो एक यूज होता है ना वो इंक्रीज भी हो चुका है। तो उसी को आपको दिमाग में रखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, ओके। तो एलेसेंड्रो वोल्टा जो है उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था इस पूरे को, और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ने लगा। इलेक्ट्रिक बैटरी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स कहते हैं जिसको, उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, और वायर कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं कैथोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड और एनोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई होती है। बैटरीज के इस्तेमाल करके पूरा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करता है। बेसिकली जो बैटरीज बनती है वो लिथियम आयन की होती है, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, वही इंडिया में यहाँ पर काफी कम अमाउंट में मिलता है लिथियम, इसलिए इसका रिसर्च वर्क और इस चीजों के लिए काफी ज्यादा अभी मारा मारी चलती रहती है।
वही लिथियम आयन जो हमारे फोन में भी, स्मार्टफोन्स में जो बैटरी होती है ना, वो भी लिथियम से ही बनी हुई होती है। सबसे ज्यादा लिथियम जो है वो एक एरिया है, लिथियम ट्रायंगल कहते हैं उसको, वहां पे मिलता है। लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे है, कौन से रीजन में, मैं हिंट दे देती हूँ आपको, साउथ अमेरिका। अभी ट्रायंगल कौन सी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की 3 कंट्रीज में बनता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 3 कंट्रीज कौन सी, क्योंकि ट्रायंगल है ना तो 3 कंट्रीज का यहाँ पे ग्रुप बनेगा। ठीक है भाई, इन्हीं से ही इलेक्ट जो है वो जनरेट की जाती है। तो इसको भी दिमाग में रख के पूरा एक आर्टिकल याद रखिएगा, ये पूरी जो बैटरीज है इससे क्लीन एनर्जी, ऐसा दावा किया जाता है कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काफी हेल्प कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बरकरार रहती है। एनर्जी सिक्योरिटी से मतलब है कि जो हमारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स है वो भी कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करना, उनकी नीड्स को केटर करना इज ऑल्सो बिग टास्क इन इटसेल्फ। तो उससे ये भी केटर हो जाता है, साथ ही साथ इससे ये भी फायदा मिल जाता है कि जो ये पूरी बैटरीज है हमारी उसकी एनर्जी सिक्योरिटी काफी अच्छे से बनी रहती है, इनोवेशन काफी अच्छी रहती है इस पूरे में, राइट। तो ये है आपका एक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, इन केस ऐसा आर्टिकल ऐसे लिखने के लिए आता है इस पूरे में, सो यू कैन राइट द पॉइंट्स फ्रॉम दीज थिंग्स। तो ये पूरा से आप निकाल के इसको लिख सकते हो साथ साथ। बढ़ते हैं आज के हमारे लाइव लास्ट आर्टिकल, लाइफ ओवर डेथ। अब यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि इंडियन कोड ऑफ जस्टिस को एग्जामिन करते हुए यहाँ पर आईपीसी को रिप्लेस करके आएगी। डेथ पेनल्टी को उन्होंने ऐसा बोला है कि डेथ पेनल्टी को समाप्त करने की कोई, हमें यहाँ पर अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना, डेथ पेनल्टी है अभी भी। ठीक है, अभी डेथ पेनल्टी पे काफी बात चल रही थी कि होनी चाहिए या नहीं, लाइफ ओवर डेथ चूज होनी चाहिए या नहीं, लाइक क्या मृत्यु दंड इतना इजीली मिल जाना चाहिए। तो देखिए भाई, जो आप में से यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्ग्यूमेंट राइटिंग में डेथ पेनल्टी एक टॉपिक बन सकता है। इस डेथ पेनल्टी दी ऑप्शन, तो उसमें आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में लिखोगे कि भाई कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं, दूसरा आप फेवर में बताओगे कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। तो वो आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। आप यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि डेथ पेनल्टी के टॉपिक के ऊपर जरूर पढ़ के जाए। तो डेथ पेनल्टी पहली चीज तो जो दी जा रही है लोअर कोर्ट द्वारा वो काफी बढ़ती जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा, मतलब सुप्रीम कोर्ट इतना इजिली डेथ पेनल्टी नहीं देता। ठीक है, और पब्लिक ओपिनियन देखें तो हर कोई फेवर में नहीं है डेथ पेनल्टी के, स्टार्टअप ऐसे कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का भी यही व्यू है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 से 22 तक अभी तक सिर्फ 7 लोगों को डेथ पेनल्टी दी है, और जो इनकी डेथ पेनल्टी थी 2023 की, उन सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वही है, काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर बोला है कि डेथ पेनल्टी इज नॉट द सॉल्यूशन, एक उपाय नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप किसी पर्सन को उम्र कैद की सजा देते हो ना, कारावास की सजा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप उसको जिंदगी भर जेल में सड़ा, मतलब वो बात होगी ना। ठीक है, क्योंकि कई जो ऐसे मृत्यु दंड पाने वाले जो अधिकतर लोग होते हैं वो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। तो यही इसमें बात है कि डेथ पेनल्टी शुड बी दी ऑप्शन और नॉट, क्योंकि वो एक तरीके से कारावास में रख रहे लंबे समय के लिए, वो एक ज्यादा बेटर तरीका है, ऐसा बोला गया। तो यही है कि एबॉलिशन कर देना चाहिए। लॉ कमीशन ने भी सेम बात बोली है, लॉ कमीशन जो कि रिव्यू करती रहती है भारत के लॉस को, उन्होंने भी सेम बात बोली है कि ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर टेररिज्म का कोई क्राइम किया है तो बिल्कुल, और युद्ध छोड़ छेड़ने का, वहां पे आप दे सकते हैं, उसके अलावा वाली चीजों पे डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्रिमिनल जस्टिस वाले सिस्टम में रिफॉर्म्स करने की और ज्यादा जरूरत है, पॉलिसीज को और ज्यादा रिफॉर्म करके इफेक्टिव बनाने की जरूरत है, ऐसा कहा गया है। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि डेथ पेनल्टी इज दी ऑप्शन, लाइक इट इज दी लास्ट सॉल्यूशन और नॉट। क्या लगता है आपको कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, या अगर होनी चाहिए तो किन केसेस में होनी चाहिए, या अगर नहीं होनी चाहिए तो किन केसेस को छोड़ के बाकियों में होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाकी आ जाते हैं बढ़िया से क्वेश्चंस पे। मालाबार रिवीजन, मालाबार मेरे हिसाब से मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ये केरल की बात हो रही है, केरल के रीजन में हुआ था, मोपला भी इसको कई बार कहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट,
दी गई है। असल में ये पूरा रेबिलियन हिस्ट्री का पार्ट है, 1921 में हुआ था। आपने जब अपना टॉपिक पढ़ा होगा, अपना जब आप हिस्ट्री पढ़ रही होगी तो आपने जरूर इसके बारे में स्टडी किया होगा। 1921 में ये शुरू हुआ था केरला के रीजन में। क्या था उस समय, जो पूरा केरला का रीजन था उसमें ज्यादातर जो सुपरविजन होता था, फ्यूडल सिस्टम जो वहां पे चलता था, सामंतवाद, वो कंट्रोल करते थे हिंदू लोग और उनके अंडर काम करते थे मुस्लिम। तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट मुस्लिम पीपल ने ये फाइट छेड़ी थी, ठीक है। ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो वहां पे रहने वाले मोपला रीजन, मोपलाज लोग हैं। अब मोपलास कौन होते हैं? मोपलास कहा जाता है दामाद, ठीक है, मालाबार मलयालम लैंग्वेज में दामाद को बोला जाता है। तो बहुत से मुस्लिम पीपल जब वो बाहर से इंडिया में शिफ्ट हो रहे थे तो उनकी मेन प्रेफरेंस थी केरल। आज भी केरल में जो है मैक्सिमम मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो वो मोपलास, तो वहां के जवाई हो गए ना, दामाद हो गए वहां के, वो वहां के लोगों से, लड़कियों से शादी की तो वहां के दामाद बन गए। तो वहां के लोगों ने जो है हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट जो एक पूरे दंगे किए थे उसे कहते हैं हम मालाबार, ठीक है। अभी क्या है कि अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो उसमें काफी सारे लोगों ने फाइट यहाँ पे किया था, जिसमें मेन इनके जो लीडर थे वो थे हाजी, ठीक है। इनके आगे का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पीछे इसको आप याद रख लीजिए, हाजी और अली मुसलियार। दीज वर दी मेन टू लीडर्स ऑफ मोपला। और बाकी अगेंस्ट में सारे, इनके अगेंस्ट में जो चल रहा थे वो ब्रिटिश थे और हिंदूज थे, ठीक है। ब्रिटिश में थॉमस फ्रीमैन थे, वहां के गवर्नर थे, और हिंदू में कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं है यहाँ पर। तो बहुत से क्लैशेस हुए थे उस रीजन में, तो इसी को आपको दिमाग में रखना है। ये पूरा मालाबार मोपला रेबिलियन इसको कहा जाता है। सारी स्टेटमेंट ठीक थी। अभी फिलहाल ही ICHR ने मालाबार रेबिलियन के जितने भी शहीद थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वहां के, उनको फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट से हटा दिया है, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल की तो खैर नहीं कहूंगी मैं न्यूज, पर ये न्यूज में था काफी। अच्छा, ICHR के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च की काउंसिल ने इस पूरे में मोपला रेबिलियन में जैसे हाजी है या अली मुसलियार है, इनको यहां से शहीदों की लिस्ट से हटा दिया है, ठीक है। तो ये न्यूज आई थी कि हटाना है, तो इसको हटाया नहीं गया, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया तो सूची से हटाने का निर्णय को स्थगित कर दिया। तो वो जो हटाने वाली बात थी उसको माना नहीं गया। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अबाउट द चंडीगढ़। यू ऑल नो अबाउट चंडीगढ़, सब लोग चंडीगढ़ गए होंगे, कभी ना कभी घूमा होगा, सुना तो सबने हुआ है। चंडीगढ़ जो है यहाँ पर कॉमन कैपिटल है पंजाब हरियाणा की, वेरी इजी थिंग, ये आप जानते हैं। चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले एक मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट थे ली कर्बाइजर, यही स्पेलिंग है, ली कर्बाइजर। जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली के डिजाइनर, तो दिल्ली है हमारी पूरी कैपिटल, उनको डिजाइन करा है हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियंस। तो कई बार दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है बिकॉज वो पर्सन डिजाइनर थे। ऐसे ही जो चंडीगढ़ है उसके डिजाइनर थे ली कर्बाइजर, डिजाइन जिन्होंने पूरा तैयार किया था। सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। 7 अक्टूबर 1953 में बनी थी। इसके अपनी कोई भी इनका अपना सीएम नहीं होता, गवर्नर नहीं होता, वहां पे रन करते हैं पूरा काम एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। काफी कम इनकी पॉपुलेशन है, कुछ ज्यादा खास पॉपुलेशन नहीं है पर उतनी ज्यादा खास नहीं है। काफी प्लांट तरीके से बनाई गई थी और जो पूरा रीजन है उसके बारे में ये एक कुछ इंफॉर्मेशन थी। बाकी ये वाले क्वेश्चंस देख लेंगे। जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, यूटीज में। और पंजाब के लीडर्स ने इसको अधिकारों पर अतिक्रमण करके काफी इसके ऊपर बात उठाई है। बेसिकली चंडीगढ़ इज वेरी लाइक कंसिडर्ड
काफी ज्यादा घिरा हुआ है हिमालयस के रीजन से, शिवालिक रेंज पड़ती है। सो मेन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं मोहाली, पटियाला, जीरकपुर, रूपनगर, ठीक है, ये कुछ रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के। सो बेसिकली पूरे रीजन में एक इंपॉर्टेंट लेक आती है वहां पर, सुखना लेक। ये एक वहां की सबसे इंपॉर्टेंट और एक सबसे बड़ी, जो भी जाते हैं वहां पर घूमने इस जगह पे जरूर जाते हैं। ट्रीज भी खूब मिलेंगे आपको, लैंडस्केप काफी ब्यूटीफुल तरीके से देखने को मिलेगा। सो ये थे हमारे आज के दो क्वेश्चंस, इसको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी आज हमारा मेंस का क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट दी ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में जब भी आप अंडमान पढ़ते हो, लक्षद्वीप पढ़ते हो, अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स जो बने हैं वो बने ही किससे हैं? कोरल रीफ से। हाँ, इंडिया में ग्रेट बैरियर रीफ नहीं है, ग्रेट बैरियर रीफ यू विल फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस टाइप से वहां की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रही है? बेसिकली यू हैव टू टेल अबाउट द कोरल रीफ्स, व्हाट आर कोरल रीफ्स एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ कोरल रीफ। जो हमारी कोरल रीफ है पूरी, इसके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और अगर इनको ये भी बताना है सेकेंड में कि इनको क्या थ्रेट्स फेस हो रहे हैं आज के टाइम पे। ऐसा नहीं कि इनको इजिली एग्जिस्टेंस मिल रही है, इजिली सर्वाइवल नहीं मिल रहा है, तो वो सर्वाइवल में क्या इश्यूज आ रही है, थ्रेट इनको क्या क्या फेस हो रही है, वो थ्रेट्स भी हमें इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? तो इस टाइप से हमको ये भी एक्सप्लेन करते हुए इस आंसर को कंप्लीट करना है। तो दीज वर दी क्वेश्चंस जो कंप्लीट करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सारे। ये है हमारे पूरे मेंस आंसर राइटिंग का, कोरल रीफ्स का। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अलग से कोरल रीफ्स पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी जिसमें प्रॉपर कोरल रीफ्स को ही सिर्फ समझाया जाएगा कि कोरल रीफ्स क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वही एक्सप्लेन किया जाएगा। सो कंप्लीट करो, बाकी इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कोरल रीफ्स को अलग से। ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।